वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शंस एंड ट्रीटमेंट। एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, वी सी इट इन द मूवीज एंड द वेब सीरीज टूडेज दैट इज इन द कंटिन्यू वे, बट वट इट इज एक्चुअली इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम देम। तो हम जो देखते हैं उससे बहुत अलग है, ट्रीटमेंट अलग है और बहुत कुछ गलत दिखाया जाता है, बट इट इज एक्चुअली इट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड इट इज़ अ नॉर्मल डिजीज, कैन बी ऑकर टू एनी मेल बट इट कैन बी ट्रीटेबल। सो लेट्स स्टार्ट विद द इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड इट इज नॉर्मली नोन एज शॉर्ट फॉर्म ईडी। तो जनरली हम इसे ईडी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है? इनएबिलिटी। इसका एक और नाम भी है इम्पोटेंसी। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज ऑल्सो नोन एज इम्पोटेंसी, सो इट इज नॉट द मैटर टू बी कन्फ्यूज। सो इनएबिलिटी ऑफ द मेल, तो फर्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट ये है कि ये मेल में है टू अटेन एंड मेंटेन द पेनाइल इरेक्शन फॉर ए ड्यूरेशन सफिशेंट फॉर द सेटिस्फैक्ट्री इंटरकोर्स। तो जो रहता है मूवीज में वो इसी बात पे सब कुछ आपका डिपेंड रहता है, जो दिखाया जाता है एक्चुअली सेटिस्फैक्शन पे। तो इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ मेल। और आप देखेंगे तो कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितने वेज हैं जिनसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। इसका मजाक बनाना काफ़ी हद तक मैं कहूँगा ठीक नहीं है जो किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे रोल हैं। किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, वो मेडिकेशन ले रहा है, उससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। किसी को डायबिटीज़ है, उससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। तो वी कैन नॉट टेक इट इज इन द एज सिंपल मैनर एज इट इज शोन इन द मूवीज एंड द वेब सीरीज। इट इज़ अ नॉर्मल थिंग, कैन बी हैपन टू एनीबडी एल्स। सो इनएबिलिटी है मैन की टू अटेन एंड मेंटेन द पेनाइल इरेक्शन। ऐसा क्यों होता है उसको हम देखते हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्योंकि जब हम पेनाइल इरेक्शन की बात करते हैं तो आप देखेंगे उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, दो चीज़ों का रोल होता है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक आपका पैरासिम्पथेटिक रिस्पॉन्स। और यहाँ पर यह बात भी आपको समझ में आएगी कि स्ट्रेस जो है एक बहुत बड़ा रीज़न है पेनाइल इरेक्शन का। तो ये आपका पैरासिम्पथेटिक रिस्पॉन्स है पेनाइल इरेक्शन। ये आप जनरली जब सुबह उठते हैं उस टाइम पर होता है, क्योंकि वो एक नॉर्मल आपका स्लीप जो साइकिल है उसका एक पार्ट है पेनाइल इरेक्शन। सुबह उठते हैं जनरली मेल्स में होता है, तो आपका सुबह एक पार्ट है, उसको जनरली हम पैरासिम्पथेटिक रिस्पॉन्स में भी काउंट करते हैं और स्लीप साइकिल में भी। लेकिन जो सेकेंड पॉइंट है स्पर्म इजेक्युलेशन, ये आपका सिंपथेटिक रिस्पॉन्स है। लेकिन और सिंपथेटिक रिस्पॉन्स आपका कब एक्टिवेट होता है? जब स्ट्रेस बढ़ता है। दूसरी बात आपका फ्लाई एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, एमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, आपका एडलिन बढ़ता है और आपका सिंपथेटिक रिस्पॉन्स होता है। लेकिन ज़्यादा जो स्ट्रेस में लोग रहते हैं उनका सिंपथेटिक सिस्टम हमेशा ही एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से जो है सेंसेशन है, जो परसेप्शन है, वो आपकी डिक्रीज होने लगती है उन लोगों में। तो स्ट्रेस का ये रोल है, आपका सिंपथेटिक रिस्पॉन्स बहुत एक्टिव रहता है। कुछ लोग जनरली मैंने देखे हैं इंटरव्यू के टाइम पर, या कोई नया पर्सन उनसे मिलता है उस टाइम पर उनका सिंपथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि स्ट्रेसफुल लाइफ हो सकती है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ये, यहाँ पर डिस्कस करने का एक और इम्पॉर्टेंट वे है। क्योंकि जब आप कोलिनर्जिक एंटी कोलिनर्जिक का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पिनाइल इरेक्शन और स्पर्म इजेकुलेशन, तो सिंपथेटिक वाली ड्रग में आप स्पर्म इजेकुलेशन से रिलेटेड साइड इफेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन जब आप कोलिनर्जिक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग पढ़ेंगे तो वहाँ पेनाइल इरेक्शन से लेकर जो है आप साइड इफेक्ट्स पढ़ते हैं कि किन ड्रग्स के क्या इफेक्ट आते हैं। तो ये आपका रहता है। तो सिंपथेटिक रिस्पॉन्स होता है, आपके सामने एमरजेंसी सिचुएशन आती है तो जनरली आपकी एड आती है ड्यू की, गला सूखता है सबको, तो वो सब रहता है। तो तब भी जब भी स्पर्म इजेकुलेशन होता है, आई थिंक एवरीबडी हैज एक्सपीरियंस इन द अडल्ट टाइम, तो स्वेटिंग, हार्ट बीट, ब्रीथिंग ये आपकी हाई हो जाती है। स्पेशली जो है हार्ट बीट कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है कुछ लोगों को, तो स्ट्रोक भी हो जाता है। तो स्वेटिंग, हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग, सो इट इज़ ऑल फ्रॉम कम्स फ्रॉम द सिंपथेटिक रिस्पॉन्स, इट इज़ एन कम्प्लीट नेचुरल थिंग। सो फिजियोलॉजी ऑफ पेनाइल इरेक्शन, जो पेनाइल इरेक्शन है वो होता कैसे, फिजियोलॉजी क्या है? तो यहाँ पर एंडोथीलियल सेल्स है, NANC यहाँ पर जो लिखा है इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ। और एक क्वेश्चन आपसे बहुत एग्जाम्स में पूछा जाएगा, आपका GPET हो, NIPER हो, ICMR हो, आप JNU दें, दिल्ली यूनिवर्सिटी दें, कोई भी एग्ज़ाम, कि आपका जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है NO, ये आपकी कहाँ से आती है? एंडोथीलियल सेल्स यहाँ पर लिखा है, ये आपकी कहाँ से आती है? क्योंकि जब आपका आर्जिनिन टूटता है, आर्जिनिन आपका टूटता है, तो
तो आपका दो चीजों में टूटता है, एक आपका सिट्रुलिन में टूटता है प्लस आपका एनो जो यहां पर बताया गया है। तो ये जो आपका आर्जिनिन है ये आपका टूटता है सिट्रुलिन में और आपका नाइट्रिक ऑक्साइड में, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है एक्टिवेट करता है ग्वानिल साइक्लेज को, जो आपका ये जीटीपी को ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट को कन्वर्ट करता है साइक्लिक जीएमपी में, साइक्लिक ग्यूनोसाइन मोनोफॉस्फेट में। अब हमारे पास दो तरह के हम ड्रग यूज कर सकते हैं पेनिल इरेक्शाइन को या जो डिजीज है इम्पोटेंसी को या इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए। पहला कि हम एनओ को बढ़ा दें, दूसरा हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर दें। जो भी आप ड्रग देखेंगे वो आपकी यहाँ पर काम करने वाली दिखेगी, जो भी आप मार्केट में ड्रग्स देखते हैं वो आपकी इस एंजाइम पर काम करती है फॉस्फोडाइएस्टरेज 5, क्योंकि ये क्या करता है आपका जो सीजीएमपी बना है साइक्लिक सीजीएमपी जो आपका एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है इसको वापस कन्वर्ट कर रहा है जीएमपी में, जिसकी वजह से जो है स्टिमुलेशन नहीं हो रही है, पेनाइल इलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये आपका मेन रीजन है, ये आपका एंडोथेलियल सेल सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है, एंडोथेलियल सेल से आर्जिनिन टूटा आपका सिट्रुलिन और एनो में, और एनो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड ग्वानिलेट साइक्लिक साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, जीटीपी से सीजीएमपी गया, रिलैक्सेशन होता है, इरेक्शन होता है, कैल्शियम का लेवल यहाँ पर लोअर होता है। लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद आपको जब नॉर्मल सिचुएशन में आना होता है तब क्या होता है आपका सीजीएमपी से जीएमपी कन्वर्ट होता है और वो आपका एंजाइम करता है फॉस्फोडाइएस्टरेज 5। अगर हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर दें तो ये जो प्रोसेस है ये आपकी लॉन्ग टाइम चलेगी और दूसरी बात जो है आपका पेनाइल इरेक्शन लाएगा। कुछ यंग्स भी कंज्यूम करते हैं ड्रग्स वो वाली जो आपकी फॉस्फेज डाइएस्टरेज 5 को इनहिबिट करती है, आप देखेंगे अभी आने वाली स्लाइड्स में। तो ये नॉर्मल फिनोमिना है, नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। एंडोथेलियल सेल्स सबसे पहले सेक्सुअल स्टिमुलेशन, एंडोथेलियल सेल्स आपका आर्जिनिन से सिट्रुलिन और एनो, नाइट्रिक ऑक्साइड से आपका ग्वानिलेट साइक्लेज, जीटीपी से सीजीएमपी बनता है, फिर उसके बाद रिलैक्सेशन होती है मसल्स में और इरेक्शन होता है। क्योंकि रिलैक्सेशन का मतलब क्या है कि आपका ब्लड जो है वहां पर फ्लो उसका बढ़ रहा है, ये आपका मेन रहता है। और सीजीएमपी से जब वापस नॉर्मल कंडीशन में जाता है तो आपका फॉस्फोडाइएस्टरेज 5 जो है आपका एक्टिवेट होता है। तो फिजियोलॉजी ऑफ पेनाइल इरेक्शन, मैंने कहा था आपको दो चीज़ें ज़रूरी हैं पेनाइल इरेक्शन के लिए। सबसे पहला आपका पैरासिम्पथेटिक सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपका नॉर्मल कंडीशंस होती हैं जो रेस्ट वाली ये वो होती हैं, जब आपका पैरासिम्पथेटिक सिस्टम और नाइट्रिक ऑक्साइड एनओ जिसकी हम बात कर रहे थे पीछे कि किस तरह से प्रोड्यूस हुआ ये वो है। सिंथेसिस एंड रिलीज प्रोसेस शुड बी इंटैक्ट फॉर नॉर्मल इरेक्शन ऑफ पेनिस। तो ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए नॉर्मल इरेक्शन के लिए। यहां पर बात इजेक्युलेशन की नहीं हो रही, अगर बात इजेक्युलेशन की होती तो हम पैरासिम्पथेटिक की बात नहीं करते, हम सिर्फ सिंपथेटिक सिस्टम की बात करते हैं। तो बोथ द पैरासिम्पथेटिक सिस्टम नाइट्रिक ऑक्साइड ये आपके इंटैक्ट होने चाहिए जिसकी वजह से पेनिस इरेक्ट होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड इंक्रीज द लेवल ऑफ सीजीएमपी, ये पिछली स्लाइड में आपको बता चुका हूं कि सीजीएमपी का लेवल नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाती है और लीडिंग टू रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये जो मसल्स है स्पेशली मैंने यहाँ इंक्लूड कर रहा, ये जो मसल्स है जब ये रिलैक्स होती हैं तो ब्लड फ्लो बढ़ता है, कुछ यहाँ पर कोज भी बताए हैं। तो ये आपकी मसल्स हैं और यहाँ पर जब मैंने आपको कहा कि ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कॉर्पस कैवर्नोसम फिल्स विद द ब्लड, जिसकी वजह से पेनाइल इरेक्शन होता है। तो ये आपके मेन केसेस हैं, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह से एनटीए का ट्रेंड बदल रहा है वहाँ से आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट इटियोलॉजी ऑफ पेनाइल इरेक्शन, जो आपकी इटियोलॉजी है पेनाइल इरेक्शन का जो डिसफंक्शन है या मैं कहूँ इरेक्शन डिसफंक्शन है उसकी इटियोलॉजी क्या है, उसका रीज़न क्या है। तो बहुत सारे रीजन्स है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जितना मजाक बनाया जा रहा है उतना है नहीं कुछ, तो ज़्यादा ज़रूरी है। और गलत इफेक्ट जो पड़ रहा है वो साइकोलॉजिकल है, 80% ऑफ जो आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केस हैं वो आपके साइकोलॉजिकल हैं, जो लोग मूवीज में देखते हैं, वेब सीरीज में देखते हैं, इवन इन द फीमेल्स उनमें भी जो केसेस हैं वो आपके साइकोलॉजिकल्स हैं। तो हम जो देखते हैं समझते हैं वो एक बहुत बड़ा इफेक्ट डाल रहा है हमारे लाइफ पे, और एक
कहा जाए तो काफी हद तक गलत ही इफेक्ट है। कोई नॉलेज वाली बात नहीं है कि किसी को आप सेक्सुअल एजुकेशन दे रहे हैं उसके थ्रू, तो वो एक गलत है। नेक्स्ट इज द वस्कुलर हाइपरटेंशन, ये एक रीजन है हाइपरटेंशन जिनमें रहता है, क्योंकि यहाँ पर अगर रिलैक्सेशन नहीं होगी मसल्स की तो ये आपका ब्लड जो है फ्लो नहीं करेगा, तो वस्कुलर हाइपरटेंशन होता है। डायबिटीज जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्मोकिंग ये आपका लॉन्ग टर्म में है, अल्कोहल कंजप्शन ये भी न्यूरोलॉजिकल एंड हार्मोनल, ये आपका जेनेटिकल हो सकता है, किसी में टेस्टोस्टेरोन या आपके जो एंड्रोजन्स हैं उनकी कमी हो सकती है। ड्रग्स लाइक बीटा ब्लॉकर, बहुत सारे लोग इससे अफेक्ट हैं, बहुत सारे जो शु आपके बीपी के जिनमें जेनेटिक्स है या जिन्होंने अडल्ट एज में ही कंज्यूम करने लगते हैं बीटा ब्लॉकर्स, तो उसमें ये इफेक्ट कॉमन आता है। तो जितने भी आपके एलओ एल वाली ड्रग हैं, यानी जिसके लास्ट में एलओ एल आता है, ग्लूकोमा में भी ये ड्रग यूज होती हैं, एस्मोलोल, टीमोलोल, मेटोप्रोलोल, बहुत सारे आपके ड्रग्स हैं, तो ये सारे आपके बीटा ब्लॉकर्स हैं, इसलिए ये जो है कोज करती हैं सारी चीज़ें आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। तो अब जिसे बीपी की प्रॉब्लम है वो पहले अपनी जान बचाने की सोचेगा सबसे पहले, बाद में वो साइड इफेक्ट पर सोचेगा, क्योंकि उसके लिए ये चीज़ जो है पेनाइल इरेक्शन का जो केस है वो सेकेंडरी हो जाता है, सबसे पहले उसको अपना बीपी नॉर्मल करना है। अगर बीपी नॉर्मल नहीं है तो आई थिंक इट्स डिफिकल्ट टू सर्वाइव, क्योंकि हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एंटी फंगल ड्रग्स अगर कोई इन्हें लॉन्ग टाइम तक कंज्यूम करता है, इसलिए आप देखेंगे डॉक्टर जब भी प्रिस्क्राइब करता है आपको, इट्राकोनाजोल का जो कैप्सूल है वो ज़्यादा दिया जाता है, इट्राकोनाजोल 100, ये रीज़न है बिहाइंड इट्राकोनाजोल देने का। फ्लूकोनाजोल आप देखेंगे टैबलेट जो आती है 1 वीक में एक टैबलेट दी जाती है फ्लूकोनाजोल की, कीटोकोनाजोल का भी ऐसा है, इसकी टैबलेट बहुत कम यूज़ होती है, क्रीम्स में ही आता है, तो क्रीम से भी स्किन से एब्जॉर्प्शन होता है तो कह सकते हैं हम इसको। एंड लास्ट थिंग इज स्ट्रेस, कि आपका सिंपथेटिक सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट रहता है, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो मजाक वाला जो काम है जिस तरह से दिखाया जा रहा है, तो उसको लेकर यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आई थिंक कि आपको एक सही डायरेक्शन में नहीं होगी, कि साइकोलॉजिकल है जो दिखाया जा रहा है उसकी वजह से, या डायबिटीज़ किसी को भी हो सकता है, स्मोकिंग है, अल्कोहल, ये इन द हैंड्स ऑफ एनी पर्सन, दोनों के अपने हाथ में ही है। ड्रग्स लाइक बीटा ब्लॉकर ये कंज्यूम करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई मार्केट में आप ड्रग देखेंगे तो आपको सार्टन्स मिलेंगे, या आपको टेलमी सार्टन है, तो उसमें केसेस रहता है कफ का, तो वो भी कुछ साइड इफेक्ट के साथ रहती है। फ्लूकोनाजोल इसको अवॉइड किया जा सकता है, और स्ट्रेस को भी। तो ये कुछ ड्रग्स हैं यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लेकिन जो इनका यूज़ है वो बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत यूज़ हो रहा है उस इनका यूज़ लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन ट्रीटमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं, इनका यूज़ जो हो रहा है वो लॉन्ग लास्टिंग जो है आपका इंटरकोर्स के लिए हो रहा है। ये आपकी जो टैबलेट्स हैं बहुत कॉमन है, आपको सड़कों पे इनके जो ये पैकेट्स हैं ये आपको गिरे हुए ज़रूर मिलते हैं, कई बार आप मेडिकल स्टोर के आसपास जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो ये चीज़ें रहती है, नॉर्मल है। तो इसलिए जो यंगस्टर हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं इसका, सेक्सुअल इंटरकोर्स का टाइम बढ़ाने के लिए। ओल्ड एज के जो पीपल हैं, यानी 35-40+ में जाने लग गया, तो उनके लिए ये चीज़ें नॉर्मल हैं, क्योंकि उनमें बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है जैसे कि मैंने बताया, डायबिटीज़ है या कुछ और ड्रग हैं जो वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कंज्यूम करना पड़ सकता है। लेकिन जब यंगस्टर कंज्यूम करते हैं तो इट में सफर्स फ्रॉम द हेड एक एंड द अदर साइड इफेक्ट्स। तो ये आपकी ड्रग्स हैं, वाइगोरा बहुत कॉमन ड्रग है, जर्मन मेड बनाती है, मैनफोर्स आपकी मैनकाइंड की है, सॉल्ट आप देख ले, सॉल्ट ज़रूरी है देखना, सिलेडेनाफिल, क्योंकि ये आपकी सबसे ज़्यादा ड्रग यूज़ होने वाली है। इसके बाद आपका जो ड्रग है सिलेडेनाफिल एंड डेपोक्सटिन, ये एक बहुत आपकी यूज़फुल ड्रग है इसमें, और सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग जो ड्रग है टाडालाफिल, इसका आप देखेंगे ये सब आपकी 100 mg में आती है, 50 mg में आती है, लेकिन यही आपकी ड्रग है जो 20 mg में आती है। इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, तो यही हम देखेंगे ड्रग यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब मैं आपको इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ड्रग का पहले ही बता चुका हूँ, कि सभी जो ड्रग्स हैं आपकी इस एंजाइम फोस्फोडाइएस्टरेज 5 को इनिबिट करने वाली हैं, तो यही बात है। तो फोस्फोडाइएस्टरेज इनिबिटर्स, तो ये आपकी मेन ड्रग्स हैं जो यूज़ होती हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, इन ड्रग्स के लास्ट में आपको जो है एफिल मिलता है, AFIL ये आपका रहता है एफिल,
एविल नहीं है, एफिल है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है सिलेडनाफिल, टेडोलाफिल, ये आपकी लॉन्गेस्ट एक्टिंग है जैसा कि मैंने आपको बताया। इसका जो क्वेश्चन रहता है वो आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से बहुत ज़्यादा रहता है। एबानाफिल ये आपकी अभी तक इंडियन मार्केट में नहीं है, ये दोनों हैं आपकी मार्केट में, ये नहीं है, ये भी आपके इंडियन मार्केट में नहीं है, ये आपके नए साल्स हैं जो कुछ मार्केट में आए, जिन्हें अभी इंटरनेशनल मार्केट में जिन्हें इंक्लूड करा है मैंने, एवनाफिल एंड वर्डेनाफिल। तो ये आपकी कुछ ड्रग्स हैं जो आपकी इंडियन मार्केट में नहीं है लेकिन बाहर हैं, दे आर अवेलेबल इन द टैबलेट फॉर्म, लेकिन कई बार जो है ये इंजेक्शन फॉर्म में भी होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन होता है तो कुछ लोग वो कंज्यूम करते हैं, इन्हें कंज्यूम नहीं करते हैं। दे आर अवेलेबल इन द टैबलेट फॉर्म एंड ईजिली अवेलेबल। ओटीसी ड्रग नहीं है लेकिन इतना इरेशनल यूज हुआ है कि ओटीसी से भी ज़्यादा बुरा हाल है। ये एक्चुअल प्रैक्टिकल जो सिचुएशन है इंडिया में वो यही है। नेक्स्ट, दे आर यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ये आपकी जो ड्रग्स हैं इन्हें पल्मोनरी हाइपरटेंशन यानी जो आपकी आर्टरीज और वेन्स हैं, स्पेशली जो आर्टरीज हैं जो आपके लंग्स में जाती है, तो वहाँ पर जब उनमें कंस्ट्रक्शन होता है उनके लिए यूज़ किया जाता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट आपका जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है, दिस ड्रग शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब और गिवन टू द पेशेंट ऑफ नाइट्रेट्स। जो आपका नाइट्रोजन परऑक्साइड या कोई और नाइट्रोजन से रिलेटेड ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं उन्हें जो है ये ड्रग नहीं देनी चाहिए या उन्हें कंज्यूम ही नहीं करने चाहिए, क्योंकि दोनों ही ड्रग्स जो हैं आपकी, चाहे आपकी ये कोई भी ड्रग हो, ये बीपी कम करती है, और जिसकी वजह से जब आप इंटरकोर्स के बाद देखते हैं तो आपके सर दर्द बहुत होता है। तो ये बात रहता है जब भी आप ड्रग लेते हैं और सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद सर दर्द रहता है, तो वो इसका एक साइड इफेक्ट इसी वजह से है क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है। ये मेन इसका एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो साइड इफेक्ट आता है वो यही आता है। कई बार नौजिया वॉमिटिंग कुछ लोगों को होता है, वो आपका साइज पे डिपेंड करता है, बॉडी साइज पे, तो ये रहता है। नाइट्रेट्स का जो क्वेश्चन है ये आपका फेवरेबल रहा है हमेशा से ही नाइपर के लिए। नेक्स्ट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स। हेडेक सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से है, नेजल कंजेशन, फ्लशिंग क्योंकि ब्लड ब्लड प्रेशर हो रहा है, और एक इम्पॉर्टेंट विजुअल डिस्टर्बेंस, ब्लू विजन, ये आपको ब्लू दिखाई देने लगता है क्योंकि जो आपका फॉस्फोडाइएस्टरेज है ये आपको रेटिना में भी मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ जब ये इनहिबिट होता है तो ब्लू विजन आपको दिखाई देने लगता है, ये रहता है। कलर विजन डिफेक्ट, अदर और ये कुछ और ड्रग्स हैं जिनका यूज़ करते हैं, लेकिन जो मेन ड्रग्स यूज़ होती हैं वो आपकी यही हैं, लेकिन उन्हें भी मैंने मेंशन किया। सबसे पहले एपोमॉर्फिन, ये आपकी एक डोपामिन एगोनिस्ट है, जैसे ही आपका डोपामिन बढ़ता है तो आप में जो है एक ऐसे आपको यूफोरिया होता है, आपके अंदर आपको लगता है स्ट्रेंथ आ गई है, जिसकी वजह से जो है आपको बहुत एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट आता है इसका और एपोमॉर्फिन की वजह से, क्योंकि डोपामिन एगोनिस्ट है, तो ये आपका बात रहता है। नेक्स्ट इज द एल्प्रोस्टाडिन, ये आपका जो है एक प्रोस्टाग्लैंडिन से रिलेटेड ड्रग है, PGE1 पे जो है ये काम करता है और एडमिनिस्ट्रेटेड डायरेक्टली इन द कार्बोनोयल टिश्यू, और इसे जो है जनरली हम इंजेक्शन फॉर्म में भी देते हैं। ये जो आप कार्बोनोयल टिश्यू देख रहे थे, यहाँ पर मसल्स देख रहे थे, जनरली इसे यहाँ इंजेक्ट भी किया जाता है। जनरली आपकी जो ट्रीटमेंट है ये एक्चुअली दूसरी कंट्रीज में ज़्यादा रहता है और ये उन्हें दिया जाता है जो आपके पेशेंट से सिलेडनाफिल से जो है आपके रिस्पोंड नहीं कर रहे, लेकिन इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, टाडालाफिल है, उसकी डोज बढ़ा सकते हैं, तो ये आपका कुछ लास्ट केसेस में जाके बचता है एल्प्रोस्टाडिल, जहाँ पे हम प्रोस्टाग्लैंडिंस के साथ छेड़छाड़ करते हैं और कार्बोनियोसल टिश्यू में देते हैं, तो ये आपका लास्ट कुछ थेरेपी में रहता है। नेक्स्ट, अदर ड्रग्स, हर्बल ड्रग्स जो आपकी आती हैं, बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आते हैं, इफेक्ट क्या है, उनका कंस्टिट्यूएंट क्या है, किसी को नहीं पता, लेकिन एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग पे इतना उन्होंने इन्वेस्ट किया है कि लोग खरीद लेते हैं। तो आप देखेंगे जिनसिंग है, कावा है, आपका जिंको है, ये सब आपको ऑलमोस्ट जो ये रिवाइटल आता है, ऐसी टैबलेट्स आती हैं इनमें मिलते हैं क्योंकि इनका कंस्टिट्यूएंट लिखा है, लेकिन जो लोग पुड़िया बना के देते हैं उसमें कुछ नहीं पता लगता है। जिनसिंग जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ दिख रहा है आपको, मिनरल्स होते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्पेशली जो रिलेट करते हैं आपके जिंक से, जिंक होता है जो आपका हेल्प करता है स्पर्म की प्रोडक्शन में, थायमोक्सामिन
अल्फा ब्लॉकर, जो आपकी अल्फा ब्लॉकर्स है इनका भी यूज होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए। तो जो भी आप अल्फा ब्लॉकर देखेंगे उनका भी यूज कर सकते हैं, यूज एज इंट्रा कार्बिनोसल इंजेक्शन, ये आपका इंजेक्शन की फॉर्म में है फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ऐसे ही कैटेंस्ट्रिन, अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, तो ये आपके ब्लॉकर्स हैं एंटागोनिस्ट हैं जिन्हें हम डायरेक्टली इंटर कार्बोनोसल टिश्यू में जो है लगाते हैं। तो ये आपका एक बहुत साइड इफेक्ट भी हैं जो आप ये ड्रग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो यंगस्टर के लिए काफ़ी हद तक ठीक नहीं है। सो इट इज़ एन सुजेशन टू नॉट यूज़, एंड यू कैन यूज़ अदर ड्रग्स लाइक रिवाइटल और एनी अदर ड्रग्स, बट इट इज़ आयुर्वेदिक बट क्वाइट हैव इट्स कंस्टिट्यूएंट मस्ट बी रिटन ऑन दिस बैक। सो इट इज़ ऑल अबाउट द इरेक्टाइल डिसफंक्शंस एंड द ट्रीटमेंट। आई होप यू लाइक द वीडियो, यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।